तू तो चुप रहे हुए, ये बंदा इतना बेशर्मी है, आज भी लेट हुआ। मुझे लगा कम से कम आज लेट नहीं होगा, पर इसने आज भी लेट कर दिया। मेरी फ्लाइट मिस होगी ना भाई। आप एक महाबदतमीज इंसान हो जो कि बिल्कुल पंक्चुअल नहीं है। ये पता क्या है, ये इतनी साइको है, 10 बजे की फ्लाइट है, 8 बजे आके अंदर बैठ जाओ। ये इतनी कह रहे हो, कह रही लेट हो गया, बोर्डिंग तो शुरू हो गई होगी ना। ये तू कितना बोलना होता है फालतू का, अपनी गलती नहीं मानेगा। अच्छा, और गाइस एक गुड न्यूज देनी है, बहुत तगड़ी वाली, ठीक है। हिमालिका ने नया फोन लिया है स्पेशली फॉर दिस ट्रिप, iPhone 14 256 GB। ये कौन सा है? ये है 14 256। नहीं नहीं नहीं, ब्लू ब्लू कलर है। मेरे पास भी 14 है, इसके भी 14 है, तो दो 14 हो गए हमारे पास। हम दोनों की कंबाइंड वैल्यू अभी हम साइड हो जा। हमारी कंबाइंड वैल्यू है अभी, नहीं मैं ये नहीं बोलता यार, फिर बोलेंगे लड़की का दाम लगा रहे हैं। गाइस देख लो, ये रहा हमारा गेट नंबर 33 और बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है, और इसने पूरा कलेश कर दिया कि हम लेट हो गए हैं। देख लो, देख लो, टाइम से पहुंचना जरूरी है। देख लो, ऐसे लोगों से दूर रहें। यार एक बात बता, वहाँ पे भीड़ होती चेक इन में तो क्या होता बता? हमारे बैग में कुछ तो बारूद वगैरह निकाल देते तो फिर क्या होता? इस बंदे से रहा नहीं गया, बल्कि इसको पता है फ्लाइट में खाना मिलेगा, तब भी इसको चुल है खाने की। इंजॉय करेंगे वो, ठीक है, लेकिन हमने जो खाने के पैसे दिए उस पे अंदर इतने महंगे महंगे, मेरे हैं वो फ्राइज लेकिन। और आपको तो वेट कम करना है ना, क्यों खा रहे हो फिर? ट्रिप पे सारी चीजें नहीं होती। वही सीट 26C है, वहाँ विंडो सीट पे बैठे हुए हैं, मेरी आइल है, खुश हो रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं। सैडली मेरी है, देखते हैं अगर कोई आया नहीं यहाँ पे तो मैं बैठ जाऊंगी। मत कर गाइस, एयर इंडिया की फ्लाइट का ना यही फायदा है, खाना देते हैं। आप कम ही खाते हो, खाओ। मैं ये बोल रहा है, मेरी ये सैंडविच की ब्रेड ब्राउन क्यों है और इसकी वाइट क्यों है, तो इसको जेलेसी हो रही है। नहीं जेलेसी मुझे क्यों है आपको? मेरे को नहीं चाहिए। वाइट है सुपीरियर, वाइट सुपीरियर होता है भैया। आप कलर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। ये क्या बात, कैमरे बोलनी बोलना तो सही नहीं है, बट सबको पता है वाइट सुपीरियर है यार, वो इंडिया में है। भैया आप अच्छे दिख रहे हो, लाइट अच्छी पड़ रही है आपके मुंह पे, सन किस्ड। वही तू तो सो रहा है। इसको लग रहा था कश्मीर यहाँ से 5,000-10,000 किलोमीटर दूर है, कह रहे इतनी जल्दी पहुंच गए। गाइस हम एयरपोर्ट से बाहर निकल चुके हैं, और यहाँ पे ना श्रीनगर एयरपोर्ट में कहते हैं कि वीडियो मत बनाना, अनाउंसमेंट भी हुई थी क्योंकि स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी वगैरह है, ठीक है। और हमारा ड्राइवर है वो भैया, हाँ भाई यहाँ पे नेटवर्क वगैरह एकदम जाम है, तो बोल रहे थे कि जियो का टावर तब भी आ जाता है, एयरटेल वगैरह बिल्कुल नहीं आ रहा। हाँ तो अगर आप श्रीनगर कभी आते हो तो ये चीज़ पहले ही मेक श्योर करना, ड्राइवर से कोऑर्डिनेट कर लो। और सिम वेम आपका चलेगा नहीं क्योंकि इसका जियो नहीं चला, मेरा वोडा नहीं चला। फ्लाइट से पहले भी मैंने टिकट्स वगैरह सारी दे दी थी, तो उनको पता था कि हम कब लैंड करने वाले, उस हिसाब से इनको भी पता होगा कि सिम नहीं है। हाँ ऑल्दो ये पर्चा पकड़े खड़े थे हिमालिका के नाम का, लेकिन इसको दिखा नहीं, इतना बड़ा चश्मा पहना हुआ फिर भी ना दिखा इसे, देख लो भाई आपकी पूरी सही सलामत है तब भी नहीं देख पाए, देख लो इसको चुप अपनी गाड़ी फॉर लाइफ। वहाँ पे ऐसे ट्रोली वगैरह से नहीं जाना ना, वहाँ पे तो ट्रोली का नहीं है ना सोनमर्ग में, ठीक है, वहाँ पे कैब करना पड़ता है, कैब करनी पड़ती है, और फिर वहाँ से आगे खच्चर ले जाते हैं, हाँ वहाँ पे गाड़ी ले जाते हैं, दूसरा स्टैंड की गाड़ी लेते हैं। अच्छा ठीक है,
तो गाइज हम पहुंच चुके हैं कश्मीर में कहीं श्रीनगर के बीचों में कहीं है, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने सारी बातचीत करी, हमारा एजेंसी थी श्रीनगर टूर एंड ट्रैवल करके, वहाँ पे हमने बात बात कर ली थी एक दिन पहले ही। पहले तो ऐसे बोल रहे थे कि एक हफ्ते पहले बुकिंग होती है, आप इतना एंड में आगे की बुकिंग करा रहे हो, पर हमने करवा ली थी, सब कुछ सॉर्टेड है। तो अभी हम खाना खाने जा रहे हैं ल्हासा, राइट? हाँ, फेमस ऐसा आपने बताया। हाँ, अच्छी जगह है बोल रहे हैं लोग, तो देखते हैं। चलो चलो, लोल वे अच्छी वाली जगह है हमारी, वहां पे रिजर्व तो नहीं है, देख लो भगा देगा आपको लात मार के। अच्छा भाई, तो काफी सही है ये, तो बड़ी फुलवारी है यहाँ पे, बाहर छोटा सा गेट था। हाँ, अंदर आके बहुत एकदम बड़ा। यहाँ पे कश्मीर में मोमोज अच्छे होते होंगे, कौन बताएगा हमें? पूछ भी नहीं सकते, मतलब यहाँ के लोगों की थोड़ी मतलब वो मोमो स्पेशलिटी नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो यहाँ के लोगों की ना मांस मच्छी ये चिकन होगा, मच्छी तो अच्छा नहीं होगा यार, मच्छी नहीं मांस मच्छी तो ऐसे चिकन आए बोल दे, चिकन आई थिंक, चिकन एंड मटन। तो आपकी तो बल्ले मौज हो गई आपकी यहाँ पे आके। चिकन वालों की हर जगह मौज है भाई। यार ल्हासा ना शायद वहाँ पे भी है, मजनू का टीला में, तो आपको याद है क्या? ल्हासा नहीं, वो इशू भी बता रहा था कुछ तो है। लाफिंग 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 अलग चीज हो गई, वो तो खाने वाली चीज होती है, पर ल्हासा है यार, मेरे को याद आ रहा है। अच्छा, ल्हासा तो एक रेस्टोरेंट का नाम कह रहे हो आप? हाँ, वो थलासा है, वो गोवा में है। नहीं जोकर रहेगा, बन मत जाना यार। क्यों कर रही है ऐसे तू? क्या कर रही हूं मैं? प्यारी बन के रहना थोड़ी, प्यारी बन के रहती हूँ। देखो पता है, लोग तेरे को प्यारा जब रहती है तब पसंद करते हैं, तेरा असली रूप लोगों ने अगर देख लिया, जो तेरा असली रूप देख लिया देखो, तू तो करके बात कर रहा है, देखो कितनी हिट मिलेगी यार आपको। गंदे हो आप, मैं ना अच्छे से आपसे बात कर रही हूं, आप आए ना असली रूप में, कैमरा वाले रूप में। मैं आपका क्या, आपसे बात जो भी हम कैमरे पे करते हैं ना, हमारा फेक वर्जन है दोनों का ही, हम वीडियोस के लिए करते हैं, असली में बहुत खतरनाक, बहुत बहुत ही रिपल्सिव लोग है दोनों के दोनों। भाई इनका चिकन का मेन्यू बहुत ही क्रेजी है, मतलब भाई जन्नत है यार, इतनी सारी डिशेज हैं भाई, इतनी सारी डिशेज हैं, ये देखो भाई चिकन ही चिकन है भाई। अभी मेरा मन नहीं है, अभी सिर्फ मोमोज ही मंगवाए मैंने, देखता हूँ बताऊँगा आपको, मुझे उम्मीद नहीं आता कि खास होगा। भाई मोमोज आ चुके हैं, काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन है भाई। डैम कितने पीस है देखने को, पर प्लेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पीस है भाई। 10 पीसेस हैं, ये तो आप तो खा नहीं पाओगे, आप तो, मैं तो खा लूंगा। मेरा भी एक पूरा डोंगा रखा हुआ है यहाँ पे। डोंगा, व्हाट दिस लैंग्वेज? अबे डोंगा मतलब बड़ा सा बोल, बोल बोल सकते हो, वो तो डोंगा। चीप निकाल रहा है मुंह से, अंग्रेज बन रहा है। दीस चीप सो पीपल, आई डोंट नो व्हाई दे कम टू कश्मीर। तू नहीं आ गया कश्मीर, दिख भी नहीं रहा कश्मीरी तू, कम से कम दिख तो रही हूं। डोंगा टेस्ट रिव्यू करने दो। कुछ लोगों ना बहुत ज्यादा चटनी लगाना पसंद है, मेरे को ना, मुझे बहुत तीखा पसंद है भाई, मैं इतनी सी लगाता, ज्यादा नहीं। आई एम अ तीखा लवर। गुड, द फीलिंग इज गुड, देन व्हाट्स अंदर का चिकन बहुत अच्छा है, जो लेयर है आउटर लेयर थोड़ी सी सॉफ्ट हो सकती थी, बट ये कंप्लेन नहीं है, ये एक सजेशन है। अच्छे मोमोज है, दे गुड, दे वेरी गुड, फ्रेश, लाइक गुड रिकमेंडेशन ल्हासा। ल्हासा थोड़ी सॉफ्ट हो सकती थी आउटर लेयर, ज्यादा हार्ड है क्या? हार्ड ज्यादा, मैं अपनी खा के देखती हूं क्या पता चले। दिस इज नॉट अ कंप्लेंट, दिस इज सजेशन, जो कि मैं जाते बोलूंगा और वो अप्रिशिएट करेंगे, और जाते शायद मुझे एक प्लेट फ्री मोमोज पैक करके दे दें। वो यार नहीं दे रहे आप, उनका बकवास कर रहे हो। ये है ना क्रिस्प, मेरे देखो बहुत सॉफ्ट है और फट भी रहे हैं। क्या बोल रही हो, लैंग्वेज, बाल क्यों लगा हुआ है इस पे? ये आपके वेज में मिलता है साथ में, फ्री में मिलेगा, कुछ ही बोल रहे हैं। ये वाला है ना चटनी, ये वाली केचप होगी ना चटनी, दो ना मेरे को तीखी वाली। फिर उसके बिना मोमोज कहाँ मोमोज रहते हैं, पूरा उसमें कोई डुबारी हो यार, अलग से लोग यार, ये गवार लोग यार, किसके साथ आ गया हूँ मैं? चलो अब आ गया हूँ तो क्या खाना, चलो गाइस कैसे भी करके मैं 3-4 दिन अब निकालता हूँ अपने। खुद गवार है, इसको कुछ नहीं आता, आराम से चटनी डालेगी, मतलब लोग वेट करें ना ताकि तू सारा वो प्रिपरेशन कर ले, तब तेरा रिव्यू देंगे। यार मैं ना हाथ से खा लेती हूँ, ये छोड़ो। अभी अभी बताऊँ तू क्या बोलने वाली है, रिव्यू तेरा अभी बताया तुम्हें क्या है, अच्छे हैं गाइस, सही है ये तेरा रिव्यू, छोटा सा रिव्यू होता है मेरा।
क्या पराठा बना दिया यार इसने, देख लो भाई पराठा बना दिया मोमोज का। ये कैसी फीलिंग है? बेकार है। चल भाई नॉनवेज तो अच्छे और लाइफ मैं गलियां यहाँ पे भी कैसा लग रहा है आपको? क्या गलियां देख के? गलियां देख अच्छा थोड़ा अभी तो सिटी में है ना थोड़ा हाँ। सा ऑफ बीट जाए तो थोड़ा और फील आएगा। ऑफ बीट मुझे इट्स वेरी डिफरेंट है, इट्स अ डिफरेंट प्लेस, आई कैन फील दैट। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बिकॉज़ ऑफ द हाउसेस हां विंगे कंस्ट्रक्शन डिफरेंट है थोड़ी। हाँ। ऐसे वाले घर होता है जो कार्टून नेटवर्क में दिखाते हैं जो नोबिता के होते हैं बड़े घर ऐसे। आप रहना चाहोगे ऐसे घरों में? हर कोई रहना चाहेगा। अभी ना मैं पहली बार आ रहा हूँ मैंने कोई वीडियो नहीं देखी है यहाँ की तो अभी मैं आई एम लेटिंग दैट सिंक इन द प्लेस मेरे को बहुत डिफरेंट लग रहा है यहाँ पर तो अभी मैं थोड़ा डिटेल्ड रिव्यू डे एंड पे दूंगा कल दूंगा। ये मोहित अभी सिम ले जाने जा रहा है उसको अकेले बुलाया बेचारा डर रहा है वो इतना यहाँ पे। अच्छा यही फोटो क्लिक हो रही है उसकी। अरे भाई साहब मुझे लगा अंदर अंदर ले जाएगी। ब्लॉगिंग भी कर रही है। यार वो शैडो आ रहा है कैसे खड़ा हुआ है उसका आधार लेंगे अभी वो वेरिफिकेशन के लिए और फिर सिम मिल जाएगी और फोटो ले रहे हैं। हाँ ये वाली सिम मेरी है जियो वाली। कितने टाइम में एक्टिवेट होगी? 15 मिनट में होगी। अच्छा कितने बजे? इसका नंबर लिखा हुआ है ना यहाँ पे? ना ना इसमें नहीं लगा नंबर, वो हो गया एक्टिवेट। दीजिए कॉल किए सिम यहाँ से जाने के बाद सिम अपने साथ ले जाना है, पूरा डिस्ट्रॉय कर देना, सिम उधर उधर नहीं छोड़ना सिक्योरिटी रीजंस के लिए। ठीक है वो बस निशान गार्डन। गाइस अभी हम आए निशान गार्डन में, यहाँ पर है मुगल गार्डन निशान। अच्छा मुगल गार्डन बहुत सारे गार्डन हैं उनके अंदर ये दे रखे हैं निशान निशान था। तो ऐसा कुछ है। अभी हम टिकट्स लेंगे यहाँ से, देखते हैं अंदर जाके दिखाता हूँ, पता नहीं कैमरा अलाउड है कि नहीं। गाइस निशान बाग आ चुके हैं हम, काफी सुंदर बाग है अभी तक, वैसे ऑर्डिनरी लग रहा है मतलब ये देखने को मिल जाता है ऐसी बात नहीं है कि वो बस मेरे को ये कुछ डिफरेंट लग रहा है पर्पल वाले ये है इनको ट्यूलिप्स कहते हैं बताने ट्यूलिप्स ट्यूलिप्स नहीं ये ट्यूलिप्स कहते हैं ये लटके हुए ट्यूलिप्स थोड़ी हैं इनके लटे इनको पूरा वैसे लटके हुए ट्यूलिप्स ही कहते हैं ठीक है पूरा लगे अच्छा चलो बढ़िया है बहुत बढ़िया आओ अंदर यहां जो है ये भी बहुत यूनिक है अरे हमने टिकट ली कितने की थी 24 रुपए पर बंदा 48 रुपीस में हो गया अबे तो बहुत बड़ा है। हाँ भाई बहुत बड़ा है तू। बहुत बड़ा है। आपको लगा नीचे जितना है वो छोटा सा उतना ही। हे मालिका। हाँ। इतना सुंदर बाग है। प्लीज बाहर हो जाओ। वो देखो। आउट। भाई ये तो एनॉर्मस है भाई। बहुत ज़्यादा बड़ा है। उधर देखते हैं क्या है। मार्केट लगी हुई है अंदर। मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी। मेरे को लगा नंगे पर्वत नहीं होंगे यहाँ पे। थोड़ी आप पर्वत क्यों देख रहे हो? आप गार्डन एंजॉय करो, पर्वत क्यों देख रहे हो? भाई आप सोचो पूना यहाँ पे स्नो है और वहाँ पे वाइट। यार एक ना यहाँ जाना अलाउड नहीं है वरना यहाँ थोड़ी देर मेरा बहुत मन कर रहा है घास पे लेटने का। घास पे लेटने का? हाँ भाई बहुत मजा, ठंडी ठंडी घास है। आप जैसे लोग हैं जो प्लक कर लेते हैं फ्लावर्स नहीं, को। फ्लावर्स को टच नहीं करता। तो किसको टच करते हो? यहाँ मत बोलो यार ये सब। यहाँ के लोग वैसे नहीं है दिल्ली वाले। यहाँ के लोग दिल्ली वाले हैं, ट्रैवल जो करने आए ना ट्रैवल वाले समझ रहा हूँ, जो लोकल्स होंगे ना वो ये जोक नहीं मारते कश्मीर के लोग, उनको समझ नहीं आती। अरे ये थोड़ा वैसा ह्यूमर है ना, थोड़ा समझ रहे हो ना, डैंक ह्यूमर है थोड़ा। ये पहाड़ी लोग ऐसे जो अलग से रहते ना उनको समझ नहीं आता, उनको समझ नहीं आता, उनको समझ भी आ जाता जचता नहीं है। अच्छा ठीक है। ओए ओ भयंकर, ओ तो बड़ा मधुमक्खा, ओ मधुमक्खा भाई दिख रहा है आपको? गाइस देखो अभी तो बहुत बड़ी ये है, देखो भयंकर इसकी। भाई ये तो टट्टे छील देगी। ओ भाई अब इनके बच्चे भी आ गए, वो छोटा बेबी भी है उसका छोटा सा। ओए मोहित बाजा आजा आजा, ओए तो बड़ा था यार। Thank you.
और हर जैसे ऐसे आपने यूट्यूबर्स की टीम देखी होगी, दो बंदे होते तो हमेशा उसमें एक मेहनती होता है और एक होता है कि फन लेने वाला, तो इसमें हिमालय का फन लेने वाली है। मैं यहाँ पे कैमरा पकड़ के येलो पेड़ का, मैं येलो पेड़ का सिनेमैटिक शॉट लेने जा रहा हूं। खराब हो रही है, मैं तब भी बना रही हूं और ये कह रहा है फन लेने वाली है। भाई तो तबीयत तो खराब होगी, दिल्ली में भी सर्दी हो रही है, कट स्लीव पहन के चश्मा लगा के स्कूटियों पे व्हीली मार रही है, तो तबीयत तो खराब होनी है भाई। स्कूटी पे व्हीली मार दी मैंने, वो हम उस येलो पेड़ पे जा रहे हैं, वो अच्छा लग रहा है, वो अलग ही दिख रहा है। अरे पीछे मुड़ के तो देख ले, स्माइल तो कर। अरे नहीं यार पेपराजी प्लीज यार, आई एम जस्ट शूटिंग माय कंटेंट हियर प्लीज। हो गया शुरू। मैं अपने मैं ट्रिप पे भी नहीं आ सकता, तुम लोग मेरे इतने पीछे पड़ जाते हो जस्ट बिकॉज आई हैव 40,000 on my Instagram. That doesn't mean that you'll follow me everywhere. This is my personal time. I'm on a vacation. Please. Jeez. कितना शो ऑफ करोगे 40,000 का? यार मेरी कोई लाइफ ही नहीं तुमने करी हुई यार पूरी। अच्छा। दजियाँ उड़ाई हुई। ठीक है हम काट रहे हैं, हम रख रहे हैं अपना कैमरा। Please. गला गला उड़ गए। भाई हमने मेरे को लस्सी पिला दी, मैंने बोला था मत पिलाना। हमने ना मोमोज खाने के बाद लस्सी भी ली थी और मैंने दो तीन घूंट मार लिए उसके। अब मेरे गले में गतिविधि हो गई। सीख रही है लड़की मेरे वर्ड्स। मैं यहाँ पे आराम से लेटा हूँ, चिल कर रहा हूँ। सो जाएगा भी पत्रे में। सोऊंगा नहीं यार। हम सोच रहे हैं हम दो तीन जगहें और घूमें, क्योंकि वहाँ पे ऐसे फ्लारी एरियाज बहुत ज़्यादा होंगे, ऑटम देखने को अच्छा मिलता है, देखते हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी पे पहले ऑटम को ना ऑटमन कहती थी, आप कहते थे ऑटमन, किसकी स्पेलिंग में एम एन आता ना, कहते ऑटमन। झूठ बोल रहे, इसलिए चीख आई है देखो, झूठ बोल रहे देखा, यानी ये बोलता था मैंने नहीं कभी नहीं बोला। शुरू करती मेरे को वैसे ही छींक आ रही थी, मैं कंट्रोल कर रहा था। तो उसी टाइम पे क्यों आई? ये भी आपने झूठ बोला कि मैं कंट्रोल कर रहा था। ऑटोमन आप बोलते थे, मुझे पता है। अब मूव मत बनाओ गाइस। बड़ी सही ट्रेल मिली है हमें यहाँ पे, ठीक है। आगे बहुत आगे तक जा रही है, मैं आगे नहीं जा रहा, बट यहाँ पे हमने सही से फोटोज खिंचवा लिए हैं, ठीक है मस्त। अभी शाम होने लग गई है, ठीक है, अब थोड़ा सा वापसी निकलते हैं, ठीक है। काफी देर हमने यहाँ पे चिल किया, बैठे, फोटोज वोटोज काफी खिंचवाई, काफी वहाँ पे पूरा गार्डन है, यहाँ पे थोड़ी स्टेयर्स आती है, यहाँ नीचे आके है ये सारे चीजें। हाँ, इनको चिनार की ट्रीज बोलते हैं ना, चिनार ट्रीज। आई डोंट नो, यस, बट आप अगर कश्मीर आते हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो, आपको ऐसे पत्ते मिलेंगे, फोटोज खिंचवा सकते हो। और यहाँ के लिए ना निकाल के आओ दो घंटे, क्योंकि ये चिल जगह, आप आराम से बैठो, एंजॉय करो, खाने पीने के लिए ले आओ, मतलब रिलैक्स करने आओ, तो मेरे को उस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक लगी जगह, और फोटोज वगैरह आपकी बढ़िया आ सकती है। यार हम शालीम किस में गए थे पहले? हम गए थे शिकार बाग। हाँ शिकार बाग तो वहाँ था जयपुर में। अबे पागल हो गया है क्या? क्या नाम था? मैं बता, मैं फटाफट से बता देती हूँ अभी। निशांत बाग। हाँ हम निशांत बाग गए थे। ये है शालीमार बाग। तो हम शालीमार बाग स्किप कर रहे हैं। हाँ क्योंकि हमने साइड से खिड़की से देखा था, सिमिलर सा लग रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे बाग है, बेसिकली देयर गार्डन्स। हाँ तो ये वाला हम स्किप कर रहे हैं, बट आप आ सकते हो, बाहर से सही लग रहा है। हाँ। पर हमें लगा सिमिलर हो जाएगा इसलिए हम नहीं जा रहे। पर अगर किसी को प्योरली यहाँ पे गार्डन्स देखना है तो स्प्रिंग सीजन में आए, जैसे अप्रैल मई के महीने में, तभी बहुत सुंदर दिखता है, फूल वगैरह सारे खिले होंगे, फ्लावर्स ब्लूम कर रखे होते हैं और पूरा ग्रीन। पर अभी भी थे फ्लावर, ऐसी बात नहीं है अभी, पर अभी ब्राउन पत्तियां जो गिरी थी वो स्प्रिंग, वो आती है ऑटम में, ऑटम में आती है, अभी ऑटम सीजन चल रहा है, जिसे आप ऑटोमन कहते थे पहले। ये आपका जोक बहुत बासी हो चुका है, हमने एक और बारी मार रखा है, मत मारो अब, बोर हो जाएंगे लोग, मत हंसो मेरे जोक्स। ही बार आप देखना पूरी ट्रिप में कहते खतरनाक जोक्स मारूंगा, अब देखना।